हेलो हेलो भला अंकल, अंकल आप कहाँ हैं? और रमन और बाकी सब? अरे आप लोग ठीक तो है ना? अभिषेक बेटा, रमन और रोमी गए हैं बस के पीछे, वो ड्राइवर जो है ना बच्चों और औरतों को लेकर पता नहीं कहाँ निकल गया है। मैं यहाँ पर हूँ मुरथल के पास श्री ढाबे पर। ओह गॉड, अंकल वो ड्राइवर पागल है, उसने सबकी जान खतरे में डाल दी है। क्या आप? मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ। ओके अभिषेक, रोमी रोड पर खड़ा पड़ेगा, अगर पैसों को तो पंप फट जाएगा। आगे ले, अरे हट जाओ, हट जाओ वहां से, हट जाओ पीछे हो जाओ, हट जाओ वहां से, अगर पैसों को तो फट जाएगा, मैं आगे जाना पड़ेगा। चल चल रोमी चल। अब तुम लोग देखो मरो सबके सब, बहुत जल्दी है ना। रोमी ड्राइवर कूद गया भाई, भाई गाड़ी कैसे चलेगी? बस में कोई नहीं, गाड़ी रोक, गाड़ी बस के पास ले। बेटा अब तुम्हारे मौत का बदला ले लिए बेटा, और ये सब मरेंगे। फोन नहीं लग रहा मेरे पापा।
फोन अक्का। यीशु का फोन नहीं लग रहा तो रमन का फोन ट्राई करना। किसी का भी फोन नहीं लग रहा, वहाँ नेटवर्क ही नहीं है। मुझे लग रहा है कमॉन जीजू, कमॉन प्लीज जीजू, फोन रमन बचा ले मेरे बच्चे। रमन बच्चों कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। बैकअप मंगाया ना? यस सर। गुड, उसका स्टेटस चेक करो। हमें बस के साथ चलना होगा। मट्टी, रस्सी की गोनियां वगैरह। सर गोनियां? हाँ, हमें बस से सबको इवैक्यूएट करना होगा। बॉम्ब स्क्वाड मैंने मंगा लिया है, लेकिन उनके आने तक हमें खुद उनको निकालना होगा। चलती बस से बम स्क्वाड को डिफ्यूज कैसे? अरे तभी तो कह रहा हूँ, हमें वहां तक पहुंचना होगा, खुद इंडिविजुअली सबको बाहर निकालना होगा। अरे हिम्मत सिंह, जल्दी चलाओ। सिमिदी, सबसे पहले बच्चों को निकालते हैं। रोमी, बस के उस तरफ ले, बस के उस तरफ ले। नहीं दीदी, मुझे बहुत डर है, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बच्चों को आगे ला। अनन्या, अनन्या आजा बेटा। अनन्या को दे, अनन्या को दे। ला ला मुझे तो। अय्यर साहब, हाँ नहीं नहीं, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ ढाबे पर हूँ। हाँ, अभिषेक भी आ गया अपनी टीम के साथ रमन की हेल्प करने के लिए। पता नहीं ये आदमी कौन है, क्या चाहता है। अय्यर साहब, आप प्रार्थना कीजिए कि कुछ गलत ना हो, हमने किसी कुछ नहीं बिगाड़ा, माता रानी हमारा भी सब ठीक रखे। हाँ, मैं फोन करूँगा आपको। ये बुढ़ापा,
जहाँ से ड्राइवर चांद मिश्रा ने कुछ बच्चों और ऑटो वाली बस को अगवा कर लिया है। हमारे साथ भल्ला परिवार के एक सदस्य मौजूद है, चलिए उनसे पूछते हैं क्या है पूरी बात। भल्ला साहब, आप एग्जैक्टली बताएंगे क्या हुआ है? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। पता नहीं ये कौन आदमी है, क्या चाहता है, हमारे तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। कुछ तो मालूम नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बाद में बात करेंगे। दादी और रोहित को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, इशिता को कुछ नहीं हो सकता। इशिता और रमन कितने वक्त के बाद खुश थे, तुम्हें क्यों जाने दिया? You knew na it was risky. तुम्हें मना कर देना चाहिए था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो शगुन, प्लीज calm down. अपने आप को संभालो, ऐसा कुछ नहीं। अशोक को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये सब उसकी वजह से हुआ। I'm gonna kill him. I'm gonna kill him. शगुन, बच्चे, उनको कुछ नहीं हुआ। आदि रूही, उनको कुछ नहीं हुआ। उन्हें कुछ हो गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। बिली मिशा, वो सब ठीक है।